लगी इतनी जल्दी? Terrible things started happening when you walked away. So that's why I stay right here. Cause when all of my dreams seem so out of reach, you're crystal clear. You don't disappear, baby. No. Guys, it's 8:30 and mere bade taao aur bade taai ji aaye hain. Let's meet them. गाइस ये है मेरे ताऊ जी ताई जी जिनकी दुकान खुली थी. कब से बैठेंगे दुकान में फिर? कल से? आज से तन में दे देगा. ये दे देगा. गाइस आग लग गई है देखो, और मेरे घर के चारों ओर तो घास ही घास है भाई, इधर ना पहुंचे. गाइस सब लोग आग बुझाने चले गए हैं. मैं ताऊ जी और ताई जी को चाय बना रही हूँ. बैठो चाची. चाची बैठो, घास लाने तो नहीं चल पड़े आप? आग हमारे चले गए व्याधि से ना. मम्मी वगैरह है. मम्मा जा रहे हैं स्कूल और मैं मम्मा के साथ जा रही हूँ थोड़ा उधर तक, आप लोगों को दिखाने की कहाँ पर आग लगी थी. अभी तो बुझा दी है वैसे, पर डर रहेगा कि शाम तक, क्योंकि हवा जब चलेगी ना तो फिर से भी लग सकती है, ये डर रहेगा. और हमारे घर के आसपास देखो आप, ये देखो, ये मेरे घर के आसपास घास ही घास है. ये देखो कितना सूखा है धारे, धारे देखिए आप कितनी सूखी है. बाप रे बाप, इसमें फैली भी ना हमारे, इसमें लगने लुआटे हमारा घर क्या. ये देखिए गाइस, ये आग लग गई थी. ये नीचे से ना उधर से कहीं से फंसी है, और ये सीधा देखो जाती, ये से उधर से उधर से उधर, और उस इसके उस तरफ को मेरा घर है, ये सब उधर को जाती. मम्मा चलो ठीक है फिर, मैं नहीं आज नीचे अब, ठीक है बाय बाय. गाइस फिर से आग लग गई, फिर से लगी. देखो धुआं, इसमें नहीं लग रहा होता ये पेड़ियां. गाइस फिर से आग लग गई और हम जा रहे हैं सब लोग बुझाने. बहुत बड़ी आग ये देखिए, पता नहीं हंसी क्यों आ रही है, पर सबसे ज्यादा खतरा हमारे घर को है. पता एकदम वैसी मूवी वाली वाइब आ रही है. तन में पीछे भी जो जो आगे बचाना, परे को इधर को, परे को मत जाओ. गाइस मिशन सक्सेसफुल, इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां आग बुझा रही हैं. शी इज माई फ्रेंड, मीट माई फ्रेंड अंकिता, जिसका कल बर्थडे था और हम जा नहीं पाए थे. ये भी बता दे तू. बता दिया मैंने ऑलरेडी कल. गाइस अब हम जा रहे हैं घास ढूंढने. एक्चुअली हमने एक खेत में घास रखा है और डर है कि उस खेत तक भी ये आग पहुंच सकती है, तो हम वहां का घास घर के लिए ढो के रख रहे हैं. जल्दी आ. ये देखिए गाइस, ऋतिका आपके लिए नया, कि आपने भी ऐसा किया है बचपन में. हम इसको जल्दी निकला, नहीं निकल रहा अभी. इसके अंदर का खाना होता है, बहुत स्वाद होता है. अभी ये निकल नहीं रहा गाइस. गाइस हम लोग पहुंच गए हैं. बहुत चढ़ाई चढ़नी थी क्योंकि ये जो पहाड़ी पे हम रहते हैं उसका पीक है, और यहाँ पे ना ऊपर मंदिर भी है हमारा, नाग देवता का मंदिर है. आज क्या है यहाँ पे? पता नहीं कौन से देवता निकल रहे, पता नहीं था कुछ बोले. यहाँ पे ना ये जिस पहाड़ी पे हम रहते हैं उस पहाड़ी का पीक है, तो यहाँ पे दो मंदिर है, एक नाग देवता का एक काली माता का, तो कुछ हो रहा है शायद आज. तो मॉनसून सीजन के बाद जो हम लोग घास काटते हैं उसको ना हम खेतों में रखते हैं ताकि वो अच्छे से सूख जाए. वैसे तो हम बाकी सब लेके आ गए थे, बट ये वाला खेत क्योंकि नजदीक है घर के तो हम उस वक्त नहीं लाए थे, और सोचा था कभी और लेके आ जाएंगे आराम आराम से. तो फिर आज हम लेके आ गए और हमारी दो दो टर्न्स लगी, और ये सब करते करते 2 बज गए. थैंकफुली बाद में आग भी नहीं लगी, और अब बचे थे मेरी पढ़ाई जो कि मैंने सिर्फ 3 घंटे की थी. एंड यस नाउ लेट्स सी कैसे आगे चलेगा काम.
गाइस भूख लग गई है तो मैंने मैगी बना ली है। गाइस पहली बार मैंने रितु को पता तक नहीं लगने दिया कि मैंने मैगी बना के खा भी दी है। मैंने अंदर खा के खत्म भी कर ली, तेरे को भनक तक भी नहीं लगी। गाइस 2 बज गए हैं, अभी मैं फाइनली अपने टेबल पे आ गई हूँ और अभी मैंने बस 3 घंटे पढ़ा है, सो आई हैव टू स्टडी फॉर 7 more hours नाउ। लेट्स स्टार्ट नाउ। चार बज गए, मैं वीडियो एडिट कर रही थी। मैंने कुछ नहीं पढ़ा अभी, बट आज नहीं वेस्ट करूंगी उस दिन की, मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं। अब पढ़ूंगी, अब मैं अच्छे से वो लाइयो क्या मुंगी वो तो मैंने तन्मय की तरह अपना वो रेट नहीं बढ़ाया हुआ ना, मैं लेती नहीं हूँ कुछ। दिमाग नहीं करना खराब, यहाँ चुपचाप जा, बढ़िया यहाँ पे। क्या मारी। सो वैसे तो मैंने अपना बहुत टाइम वेस्ट कर लिया था, बट फाइनली फिर मैं 4 बजे अच्छे से बैठी और 4 से 7 मैंने 3 घंटे पढ़ा और इस तरह से मेरे आज के 6 घंटे कंप्लीट हो गए थे। अब बचे थे 4 और घंटे। गाइस कसम से बोल रही हूँ, जो स्वाद मुझे आया ना इसमें, मुझे और खाना है। लाजवाब था यार। मेरे पास रेस्ट प्लीज, इसका वो वाला लगाई ये वाला ऑफिशियल वाला, मेरे को छे था रेस्ट देना, इसके लिरिक्स दो आपको। अरे मेरे को दो प्लीज। मां कौन है ये बता, रेस्ट उसको दिया जाता है जो काम करता है। मां कौन उसको है? नहीं जो बस बैठ नहीं आता यार। ए क्यों और तन्मय जी रात को नींद आ रही है अच्छे से? शक्ल तो दिखा ले हैं। मम्मी तन्मय को है, कई लड़कियों ने कमेंट किया ही इज रियली क्यूट। तो हम लोग 8 बजे खाना खा के फ्री हुए और फिर मैंने 8 से 11 बजे तक 3 घंटे पढ़ा एंड फाइनली मेरा आज एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया और मैंने आज टोटल 9 घंटे पढ़ा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ कल, बाय बाय।